5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होगा। गौरतलब है कि राम भक्त कार सेवकों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1990 और 92 में 2 बार अयोध्या के लिए कूच किया था और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। कैथल से भी काफी संख्या में कार सेवक अयोध्या गए थे। आज हमने उन कार सेवकों से बात की और उनके अनुभव साझा किए। इस दौरान हर कार सेवक का अपना एक अलग तरह का अनुभव था, फिर भी कुछ कार सेवकों ने क्या कुछ बताया, चलिए आपको सुनवाते हैं। 1990 में हम कार सेवा में गए, उससे पहले जो हमने कार सेवक में जाने की तैयारी की वो बहुत बढ़िया तैयारी थी। हम लोगों के पास जाते थे, आवाजें देते थे, 125 दे दे भैया, रामशिला के नाम का राम के घर में लग जाएगा, पत्थर तेरे नाम का, ये कह कह कर हमने राम जी के मंदिर को लोगों के घरों तक, उनके दिलों तक पहुंचाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब हमने ये कहा कि चलो अयोध्या, 1990 में लाखों लोग अयोध्या गए, इतनी बड़ी मात्रा में अयोध्या गए कि प्रशासन का सारा तंत्र बेकार रह गया और देखता रह गया। 1990 की तरह आज भी तैयार है जाने के लिए, लेकिन जो महामारी, जो बीमारी अपने देश में चल रही है, उनको ध्यान में रखते हुए हम यहीं से ही भगवान राम के मंदिर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। 3 अक्टूबर 1990 को जब कैथल से हम चले अयोध्या के लिए, तो लोगों के मन में क्या ठेस थी, मतलब लोगों के दिल में, मनों में, आँखों में आंसू थे कि पता नहीं हम लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सब लोग ये सोच के गए थे कि हमने राम मंदिर के निर्माण के लिए काम करना है और हो सकता है वहाँ हमारी प्राणों की आहुति भी हमें देनी पड़े तो हम देंगे। जैसे ही हम वहाँ से यहाँ से निकले, तो जैसे गोंडा डिस्ट्रिक्ट से पहले हमें आदेश हुआ कि ट्रेन को आपने जो है ट्रेन दबा वो करना है, ट्रेन से एकदम छलांग मारनी है, चैन खींच के, और उसके बाद जो है वहाँ लोग मिलेंगे, आपने उनके साथ जाना है। तो जैसे हमने गोंडा से पहले ट्रेन के में जो है चैन खींची, एकदम से ट्रेन रुकी और हम लोग सभी लगभग 167-168 लोग थे, उन्होंने तुरंत नीचे छलांग लगाई, तो कम से कम 50 मोटरसाइकिल वाले जो है पहले से ही तैयार थे, उन्होंने हमारे को तीनों तीन तीन लोगों को मोटरसाइकिल पर बिठाया और एक स्थान पर ले गए। वहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया और उसके बाद हम आगे कूच किया। हमने जब हमने आगे कूच किया ना, वो एक इतिहास ऐसा है कि यदि हम चाहें तो एक पूरा इतिहास लिख सकते हैं। 1992 में 18 स्वयंसेवकों को, कार सेवकों को अपने साथ लेके गया था मेरी शाखा से, और वो ऐसी स्थिति में गए थे कि उनके घर में किसी की माताजी बीमार थी, किसी घर में अकेले थे, वो फिर भी वो कार सेवा के लिए 1992 गए थे। हम वहाँ पर जब पहुँचे, 5 तारीख को हमारे को कहा गया भाई आप लोग एक एक सरयू के मिट्टी उठा के लानी है मुट्ठी भर के और एक गड्ढे में डालनी है। हमारे को सुन को बहुत गुस्सा आया भाई, हमारे को इसलिए बुलाया था क्या सिर्फ भाई कार सेवा के लिए नहीं बुलाया था? जब 5 तारीख को बैठे थे सवेरे सरयू डाल के आए, जब ही हमारे को पता लगा 10 मिनट में ही कि ढांचा गिर गया है। जैसे ही हमारे को पता लगा, सभी हमारे जितने भी कैथे से लोग गए थे उत्साह से एक जय श्री राम जोर जोर से बोलने लगे। जब हम वापसी कैथल आए, कैथल की जनता ने वो स्वागत किया हमारा, शायद ही किसी मतलब कोई संत महात्मा होता होगा इतना बड़ा तब करता गया था स्वागत, ऐसा माहौल था पूरे उसमें। और आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमि पूजन करने जा रहे हैं उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं, और हमारी इच्छा थी कि हम भी जा सकें, पर जैसे राम जी की मर्जी, कभी मौका मिलेगा ज़रूर जाएंगे। जो 5 तारीख को भूमि पूजन होगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका शिलान्यास करेंगे, हमारे लिए गर्व का दिन होगा। जय श्री राम, जय भारत। बहरहाल 5 अगस्त को ये कार सेवक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो लोग अपने घरों में 4 और 5 अगस्त को घी के दिए जलाएंगे और पूजन हवन करेंगे। बहरहाल इस दौरान कार सेवकों ने लोगों से भी आह्वान किया है कि वो 2 दिन दिवाली मनाए, घरों में रोशनी करें और घी के दिए जलाएं। सत्य खबर के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।